यार आगे मेरे ख्याल से पुलिस वाले खड़े हुए हैं, हाथ दे रहा है, रोकनी पड़ जाएगी गाड़ी। गुड मॉर्निंग गाइस, वेलकम बैक टू द न्यू व्लॉग। मैं बहुत लेट उठा और बहुत लेट सोया। रीजन कि मैं 2.5 घंटे रात में सो गया था, फिर उठने के बाद मेरी आंख नहीं लग रही भाई, 2 घंटे हो गए लगातार कंटिन्यूसली परेशान हो गया, क्या करूं। फिर मैंने क्या काम करता हूँ, व्लॉग एडिटिंग पे लगाता हूँ। 5:15 बजे मैंने व्लॉग एडिटिंग पे लगाया तो 8 बजे व्लॉग एडिट करके निपटा, फिर उसके बावजूद भी नींद नहीं आ रही। फिर मैं सोया 9:15 बजे और उठ गया 12:30 बजे। आजकल यही सब हो रहा है। फिलहाल तो ब्रेकफास्ट हो गया हमारा रेडी। ब्रेकफास्ट में कुछ खास, कोई खास नहीं, ब्रेड और नॉर्मली सिके हुए ब्रेड हैं और चाय है। चलो ठीक है। ठंड ज़्यादा हो रही है, इतनी ठंड नहीं हो रही यार, रात भर पता बारिश हुई है पूरी। मैं परेशान हो गया, अब रुके, अभी तक हो रही है बारिश बूंदाबांदी। क्या करें यार, कंटिन्यूसली बारिश हो रही है। जो बाहर बेचारे रेडी वाले होंगे उनके क्या हाल होंगे जो सोते होंगे यार। पहले तो ब्रेकफास्ट करते हैं। तो गाइस अभी टाइम हो गया है शाम का, मुझे जाना है बाहर एक काम से, यही पास में ही। हालांकि हवा बहुत लग रही है, बिकॉज मुझे पता है क्या, पिछले एक दिन से ना गर्मी लग रही है। मैं चाहता हूँ कि यार मुझे ना ऐसा ठंडक लगे थोड़ी सी, तो मैंने टी शर्ट पहन लिया ऐसे ही और ऊपर से ये कट स्लिप्स की जैकेट। ठंडक लगेगी, मजा आएगा, अब चलते हैं बाहर। ऊपर कौन उछलता है भाई, ले ले, अरे भाई ले उछल, ओ तेरी। तो गाइज ऑलमोस्ट 6:15 बजे का वक्त हो रहा है और देखो सारी मार्केट्स वगैरह सब कुछ बंद पड़ी हुई है बिकॉज ऑफ रीजन कोविड की, और इसी के चलते लॉकडाउन वगैरह लगाया गया है। मार्केटें वगैरह भाई सब ठंडी हो गई, सब जगह सन्नाटे सोफ्टे ऐसे मिलने वाले अब। ये हमारे घर के बाहर रूट का हाल है यार। ये लगाया गया था वीकेंड कर्फ्यू, इसका अनाउंसमेंट पहले हो गया था, बट अब इसका पूरी तरीके से पालन किया जा रहा है। अब जो जरूरत के लिए बाहर आए हुए हैं वो आए हुए हैं, जैसे मैं भी आया हुआ हूँ यहाँ पर। ये बाहर रूट का हाल देखते हैं, मेन रूट पर क्या चल रहा है। और वैसे ही हाल है यहाँ रोडों का, यहाँ रोडों पर भी काफी ज्यादा सोखता है, क्योंकि कल तक काफी ट्रैफिक हुआ करता था मगर अब वो ट्रैफिक देखने को मिल ही नहीं रहा, बिल्कुल सोखता सन्नाटा यहाँ पर भी छाया हुआ है। गिनती चुनती की गाड़ियाँ चल रही हैं सिर्फ। हेलमेट में सही लेके आया ना, पीछे बैरिकेड्स लगे हुए, बहुत सख्ती चल रही है भाई रोडों पर। भाई यहाँ की मार्केटों में देखो कितना ट्रैफिक होता है, मगर आज सारी दुकानें वगैरह सब कुछ बंद पड़ी हुई है भाई। तो भाई अपना काम निपटा के वापस निकल गया हूँ मैं, मुझे लेना था यार अपने माइक का एक सेल। मेरा माइक का सेल ऑलरेडी खराब हो रहा था, सारी मेरी बैड वॉइस जा रही थी। मैंने कहा यार माइक का सेल ले लो, क्योंकि वहाँ आसपास में कहीं मिल नहीं रहा था। यार आगे मेरे ख्याल से पुलिस वाले खड़े हुए हैं, हाथ दे रहा है, रोकनी पड़ जाएगी गाड़ी। रोक ले रहे हैं, गाड़ी बंद कर। जी सर बताइए क्या हुआ। तेरे को पता ना लॉकडाउन है, बाहर घूम रहा तू। सर बाहर में एक जरूरी काम से गया था, कुछ सामान लाना था मुझे घर के लिए। ये कैमरा चला रहा था तूने क्या? सर मैं एक ब्लॉगर हूँ तो इसलिए मुझे कैमरा चलाना जरूरी रहता है। अरे गाड़ी बंद करो इसकी। सर ऐसे कैसे आप गाड़ी बंद कर देंगे, ना मेरी कोई गलती ना कुछ। आप पेपर वगैरह देखिए गाड़ी के पूरे, और जरूरी काम से क्यों कोई बाहर नहीं निकल सकता, जा सकते हैं बाहर। हमसे बहस कर रहा है क्या? सर मैं बहस नहीं कर रहा, आपको एक बात बता रहा हूँ बस सिर्फ। चल पेपर निकाल गाड़ी के। हाँ ठीक है सर, पेपर वगैरह दिखाता हूँ मैं आपको। देख रहे हो गाइस जैसे ऐसे भी सीन होते हैं। मैं पेपर दिखाने के लिए तैयार हूँ, कह रहा है गाड़ी बंद होगी, बाहर नहीं जा सकता। क्यों बाहर नहीं जा सकता भाई, जरूरी काम है मुझे, सामान लेके आना है मुझे, इसलिए तो मैं बाहर गया हूँ, बिना वजह थोड़ी ना गया हूँ बाहर। तो कहने लगे तू बहस कर रहा है। मैंने कहा बहस करने वाली बात नहीं है, मेरी गलती क्या है मुझे वो बताओ। मैंने कोई रूल ब्रेक करा है या हेलमेट नहीं लगाया हुआ, मास्क फॉलो नहीं कर रहा, या फिर मेरे पास गाड़ी के पेपर नहीं है, लाइसेंस नहीं है। तो बस सिंपल सी बात है, पेपर वगैरह दिखाकर और फिर छोड़ दिया मुझे। कहने लगे जा चल दोबारा ना आ जाइयो। मैंने कहा मैं तो आऊँगा दोबारा, जाहिर सी बात है भाई। मैं वीडियो बना रहा था, कहने लगे भाई कोई फ़ोन छीन लेगा आपका, तो मैं घर पहुंच के बात करता हूँ आपसे। गाइस मैं आ गया हूँ घर वापस, पहले डिनर पहले लंच वगैरह करते हैं, फिर उसके बाद से बात करता हूँ। इतनी तेज हवा चल रही है यार, मगर ठंड नहीं हो रही, हवा चल रही है बस तेज। मैंने ले आ गया मेरा खाना, गोभी और ये क्या है कीमा दाल और रोटी, गर्मा गर्म आ गई है बन के, खाते हैं फटाफट। गाइस अभी टाइम हो रहा है रात के 2:45 बजे का, मैं बिग बॉस का रिव्यू वगैरह करके बिल्कुल एटलीस्ट फ्री हो गया। हमने लंच किया था बिकॉज डिनर की हमें भूख ही नहीं लग रही, क्योंकि यार अगर थोड़ा सा लेट उठो ना सारी रूटीन सब कुछ चेंज हो जाती है बिल्कुल खाना वाना खाने की। मैंने कहा चलो ठीक है ब्रेड और दूध वगैरह खा लेंगे, खा पी लेंगे, उससे अपना काम चल जाएगा। फिलहाल मैं गया था बाहर, मुझे ज़रूरी बात कहनी थी आपसे। मेरा ये जो माइक है ना, ये माइक का मेरा एक होल्डर है, इसमें सेल डलता है, तो ये वीक हो गया था,
तो मुझे सेल जो है ना चेंज कर रहा था, वरना काफी ज्यादा मेरी आवाज में प्रॉब्लम हो रही थी। तो वो सेल लेने के लिए गया था, वो लेके मैं आ गया। बिकॉज रास्ते में दो सीन हुए। पहला ये कि पुलिस वालों ने रोका, कहने लगे जी लॉकडाउन में कहाँ घूम रहे हो। मैंने सब कुछ बताया जी, ऐसे ऐसे मैं गया था काम से सेल लाने के लिए, ये जरूरी था सेल। मैंने कहा हाँ जी जरूरी था, मेरा काम है। बिकॉज क्योंकि मैं यूट्यूबर हूँ भाई, बिना माइक के तो मेरा काम एटलीस्ट हो नहीं सकता। कहने लगे ये इतना इंपॉर्टेंट। मैंने कहा अच्छा जी तुम्हारे काम इंपॉर्टेंट, इंपॉर्टेंट हमारे काम कोई इंपॉर्टेंट भाई, मैंने साफ साफ जवाब दिया। दूसरा बोला कि भाई गाड़ी बंद होगी। मैंने कहा ठीक है जी, अगर ऐसा है तो बंद कर दो गाड़ी, मगर ये बताओ मेरी गलती कहाँ है। पहले गाड़ी जब भी तो बंद करोगे जब मेरी कोई गलती होगी भाई। मैंने मास्क कैरी नहीं किया हुआ, हेलमेट ना लगाया हुआ, लाइसेंस नहीं है, आरसी नहीं है, इंश्योरेंस नहीं है, पॉल्यूशन नहीं है, क्या चीज़ नहीं है मेरे पास, सब चीज़ थी। मैंने सब दिखा भी दिया बाद में। तो फिर कहने लगे ज़्यादा बहस कर रहा भैया। मैंने कहा बात बहस करने वाली नहीं है। फिर कहने लगे कैमरा बंद कर। ये तो मुझे स्टार्टिंग में बोल रहे थे भाई कैमरा बंद कर, कैमरा क्यों चलाया हुआ। मैंने भाई मैं सोशल मीडिया वर्कर हूँ, लाइफस्टाइल व्लॉगर हूँ, वीडियोस वगैरह बनाता हूँ, तो जो भी सारी मेरी करंट सिचुएशन होती है उसको मैं अपने व्लॉग के द्वारा दर्शाता हूँ, शेयर करता हूँ। मैंने उनको एक्सप्लेन किया, समझ में नहीं आ रहा था। फिर मैंने उनके चैनल दिखाया, तब चैनल जो मैंने उनको दिखाया ना बाद में ट्रेंडिंग वर्ल्ड, अच्छा मीडिया रिपोर्टर हो। उसके बाद पता नहीं क्या अचानक से उसने दूसरे पुलिस वाले को इशारा किया। मैंने कहा भैया पता नहीं क्या करा। उसने कहा ठीक है भाई आप जाओ। मैंने कहा अंकल जी ये तो बताओ मेरी गलती थी क्या, जिस जो आप मेरी गाड़ी बंद कर रहे थे। कहने लगे नहीं नहीं बेटा वो पेपर वगैरह चेक कर रहे थे। मैंने कहा ये बताओ गलती क्या थी, आपने तुरंत बोला था कि जी गाड़ी बंद कर रहा हूं। भाई कोई रीजन भी तो होना चाहिए ना गाड़ी बंद करने का। तो कहने लगे नहीं नहीं वो ऐसे ही बोल दिया होगा, आप जाओ। फिर बाद में आपसे करने पे बात आ गई। मैंने पता नहीं भाई क्या हो गया इसको, ठीक है। अब फिर मैं गाड़ी चला रहा था आगे चल के, तो मैं वो बाहर चल के आपको एक्सप्लेन करने की कोशिश कर रहा था। फिर इतनी देर में तीन बाइक, एक एक बाइक के ऊपर दो बैठे थे, मतलब तीन लोग थे बाइक बाइक सवार। कहने लगे भैया यहाँ पर फोन वगैरह चोरी हो जाते हैं। और उसी टाइम में एक इंसिडेंट था, मेरे सामने दो लोग चल रहे थे, वो बिल्कुल मेरे करीब आने की कोशिश कर रहे थे, मगर मैंने गाड़ी हल्की सी काट दी। हालांकि फोन चला जाए कोई प्रॉब्लम नहीं है, इंश्योरेंस वगैरह हुआ हुआ है, फोन मेरा वापस आ ही जाना है, कोई भी ले जाए कोई दिक्कत वाली बात नहीं। मगर फिर भी अपनी सेफ्टी अपने हाथ होती है, और बाकी अगर फोन चोरी भी हो जाता तो इससे मुझे ही प्रॉब्लम होगी, बाद में मुझे क्लेम करना होगा इंश्योरेंस कंपनी में, इधर उधर भटकना होगा, मेरा काफी ज्यादा टाइम खराब होगा। तो उससे अच्छा है कि अपनी प्रोटेक्शन रहना जरूरी है। तो उन भैया ने बता दिया कि भैया फोन वगैरह चोरी होता है, मैंने हाथ इधर कर लिया। मैंने हाँ भाई आई नो, मुझे पता है, आपने बताया, थैंक यू सो मच दिल से। तो एटलीस्ट ये दो इंसिडेंट थे, जो कि दूसरा हो जाता बाय चांस अगर चोरी हो जाता मुझे प्रॉब्लम होती। हालांकि मैं इन सब चीज़ों को पहले मानता हूँ कि भाई गलत है इस तरीके से। अब मैं यूं ही कहीं पर भी फ़ोन को लेके व्लॉगिंग करने स्टार्ट कर देता हूँ, ये सीन होता है। मगर फिर भी भाई क्या करें, हमारा काम है, करना भी बहुत ज़रूरी है। मैं सोच रहा हूँ कि आगे ना चल के एक छोटा सा कैमरा आता है गिम्बल टाइप का, वो ले लिया जाए। बिकॉज थोड़ा सा कॉस्टली है, मगर वो बढ़िया रहता है लाइफस्टाइल ब्लॉगर के लिए, क्योंकि उसको कहीं भी लेके निकल जाओ, उस पर कोई भी हाथ नहीं डालेगा, ना किसी को पता चलेगा भैया ये कैमरा भी है क्या है, समझने में बहुत टाइम लगा देगा बस। तो ये था आज जो मेरे साथ में दुर्घटनाएं गुजरी। मैं व्लॉगिंग कर रहा हूँ, ये चेयर पर तुम जो आके बैठे हो वो किससे पूछ के आके बैठे हो ये बताओ पहले मुझे। आप थोड़ा सा एक्सप्लेन करिए प्लीज, प्लीज बताइए किससे पूछ के आके बैठे हो। चलो अभी थोड़ी देर बैठे रहो, इज्जत से तुम यहाँ पर बैठ जाओ तो कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। तुम तो यहाँ से उठ के वहाँ टेबल पे जो कूदते हो ना, उससे मुझे बड़ा गुस्सा आता है। वहाँ स्क्रैच मारा हुआ है लैपटॉप पे, अभी नहीं दिख रहा होगा शायद, जहाँ पर जकट पड़ा है ना यहाँ पर स्क्रैच मारा हुआ है इन्होंने, और वो इसी का कारनामा है। तो ये कब आंख बची और सीधा टेबल पे, जब तक मैं इस रूम में हूँ तब तक ये आराम से लेटा हुआ है। इज्जत से जहाँ मैं रूम से बाहर गया वहाँ ये तुरंत टेबल के ऊपर कूद लेगा, बस ये कारनामा है इनके। देखो अब कितनी आराम से बैठा है। व्लॉगिंग करने के चक्कर में अपनी चाय तो भाई मैं भूल ही गया, गर्मा गर्म चाय, थोड़ी देर के बाद दूध ब्रेड चलेंगे मेरे। बस तुम दोनों यहाँ आराम से बैठी हो ना, तो वहां बैठी है तो वहां पर बैठी है। आज पता क्या सीन हुआ, गाड़ी रोक ली थी बाहर मेरी अभी रात को आते में पुलिस वालों ने, हल्के में ले रहे थे वो, मतलब हल्के में क्या, वो अपनी तरफ से इंक्वायरी पूरी कर रहे थे। दूसरा बोला कि भैया गाड़ी वगैरह बंद होगी, हैं लॉकडाउन है, नहीं तो फिर अचानक से जब मैं पूरे पेपर सब कुछ दिखा रहा हूँ तो दूसरा कह रहा है गाड़ी बंद होगी। मैंने क्यों होगी गाड़ी बंद, मेरी गलती बताओ, मैं गाड़ी बंद करवा दूंगा, मुझे मेरी एक गलती बता दो। हेलमेट मास्क पूरे डॉक्यूमेंट सब थे। तो फिर जब उसने बाद में पूछा ये कैमरा वैमरा क्यों चलाते हो, जब उसने देखा ना तब उस चैनल देखा, उसने कहने लगे हाँ कैमरा ऑन था मेरा। कहने लगे कैमरा वैमरा बंद करो, करते क्या हो। मैंने चैनल बताया ना, जब तुमने ट्रेंडिंग वर्ल्ड देखा हमारा बड़ा चैनल। कहने लगा अच्छा रिपोर्टर हो,
कहने लगे ठीक है आप जाओ, आपसे बात पहले कह रहे तू बाहर क्यों घूम रहा है, फिर कह रहा आप मतलब आप जाओ। मैंने कहा ये बताओ मेरी गलती थी क्या? नहीं नहीं आप जाओ। मैंने कहा तो गाड़ी क्यों बंद कर रहे थे? तो फिर वो दूसरा बोलने लगा अरे बोल दिया ना आप जाओ। भाई वाह अजीब इंसान है। और फिर आगे एक एक लड़का था वो फोन छीन लेता, उससे बच गया मैं। दो दो सीन हुए थे मेरे साथ में अभी आते में, तुम्हें बताया नहीं था मैंने, अब बता रहा हूँ व्लॉग में, तुम्हें पता भी नहीं था। हाँ भाई सही है सही है, चलो बैठे रहो आराम से, कोई टेंशन नहीं है। चमक रहा है भाई तेरा रंग तो आजकल, क्या बात, और तू भी चमक रही है ज्यादा है, तेरा चेहरा बड़ा अच्छा लगता है। तो बड़ी कब होगी पता नहीं यार, समझ नहीं आता वो कितनी आराम से लेटा हुआ है। बेटे तुझे गर्माई मिल रही है सारी यहाँ चेयर पर मेरी है, बस तेरे को मेरी चेयर ही मिली है बैठने के लिए। चल बैठा रहे आराम से, सो जा, तेरे पल्ले नहीं पड़ रही होगी मैं बोल के आ रहा हूँ, चल सो जा। सो गाइस मेरा रेडी होकर आ गया ब्रेड और दूध, अब मैं इसके साथ में अपना डिनर कह लो या फिर जो भी कह लो, रात का 2:30 बजे का टाइम हो रहा है। बस इस वाले व्लॉग की अब करते हैं यही पर ही समाप्ति। आई होप कि आपको पसंद आया तो लाइक कीजिएगा चैनल पर, मैं सब्सक्राइब कीजिएगा, आग लगा दो बस। जिंदगी रही तो मिलेगी अगले दिन प्यारे से नेक्स्ट व्लॉग में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, गुड नाइट, टेक केयर।